कविता का शीर्षक है झींगा माँ चौचरी। और झीना सा लम्हा एक उतर आया था छत पर घर में आंगन उसारे में, और झीना सा लम्हा एक उतर आया था छत पर घर में आंगन उसारे में गली चौबारे में, पर सबसे ज्यादा रसोई में उनकी उसकी साझे की पर अकेली, जहां वह पाव रोटी के स्लाइस फ्रिज से निकालकर गर्मा रही थी, जहां वह पाव रोटी के स्लाइस फ्रिज से निकालकर गर्मा रही थी एक के बाद दूसरा, मक्खन की मोटी सी परत लगाकर खा रही थी, मक्खन की मोटी सी परत लगाकर खा रही थी गुनगुनाते चबाते हुए। और वसंत बड़ी देर से अब गर्मियों के आने पर धीरे धीरे उसके मन आंगन में उतर रहा था। अब भी उसकी एक और भाषा का दायरा था उसके आसपास, हाथे रूटी न पामे रूटी। और सब झींगा मछलियाँ पोखरों में लौट गई थीं जैसे कलकत्ते के बड़े बड़े लॉबस्टर्स प्रॉन पुलाव के सारे पिस्ते।